बहुत सारे ख्याल आपके मन में चल रहे होते हैं जब आप प्रेगनेंसी का प्लान बनाते हो। तो मेरा ये फर्स्ट चाइल्ड है, तो मेरे मन में मेरा बहुत सारे कश्मकश थे। उम्र हो गई थी, मन में खुद की इच्छा थी माँ बनने की, बट बहुत ज्यादा कश्मकश में थी। तो मैं आज आपके साथ ना वो चीजें शेयर करूंगी कि बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी और अब नाउ मुझे कैसा महसूस हो रहा है माँ बनने के बाद। तो मैं आपके साथ ये चीज इसलिए शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि मेरे ना बिल्कुल विचार ऐसे बदले हैं यू करके। तो बहुत सरप्राइज रहा है मेरे लिए चीजें, लाइफ की एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा है एज अ मदर, क्योंकि मैंने ना बेबी प्लान बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि अकेले ना मैंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस किया, बहुत ज्यादा अकेलापन मैंने इतना ज्यादा महसूस किया इन दिनों जितना मैंने अपने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था। तो अकेले रहने का मतलब तो वही समझ सकता है जो फिलहाल मेरी तरह अकेला रह रहा हो, पूरे घर में अकेला हो, सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले रह रहे हो, ये चीज आप फेस कर रहे हो तो आपको महसूस होगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिफोर प्रेगनेंसी मेरे मन में क्या चलता था, मुझे कैसा महसूस होता था, डिलीवरी के बाद मुझे कैसा महसूस होता था, बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ। तो ये तीन ट्रांजिशन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ। हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ बिफोर प्रेगनेंसी, जब मैं बच्चे का प्लान बना रही थी ना कि नहीं मुझे माँ बनना है, तो ये चीज ना मेरे मन में चल रही थी कई दिनों से कि हाँ मुझे अब बच्चा प्लान करना है, मुझे माँ बनना है। तो मैं जिस भी बच्चे को देखती थी ना उसकी माँ के साथ, मैं सोचती थी यार मेरा बच्चा कब होगा और मैं कब उसके साथ घूमूंगी। तो बहुत सारी चीजें ना ऐसी मुझे महसूस होती थी, तो मेरे मन में भी ये चलता था। लेकिन ना जब मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ना मुझे महसूस होता था कि जब ये बाहर आएगा तो आएगा या आएगी तो मैं उसको कैसे लूंगी, कैसे संभालूंगी, बहुत सारे कश्मकश ना मेरे मन में चलता था। मैं एक अच्छी माँ बनूंगी, मैं अपने बच्चे को कोई भी ऐसी चीज नहीं दूंगी जो उसके लिए बैड हो। बहुत सारे जो मैंने अपने नजरों के सामने बच्चों को देखा है ना बड़े होते हुए, मुझे बहुत सारे ना चीजें लगते थे, पर आप उनके पेरेंट्स को या किसी और को नहीं बता सकते। तो मैं कोशिश करती थी मेरा बच्चा होगा ना तो मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। बट जब मेरी बेटी डिलीवर हुई तो मेरे लिए ना वो पता है उस टाइम मैं सडनली डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे महसूस हुआ कि डिप्रेशन क्या होता है, रियलिटी मतलब क्या होती है डिप्रेशन की, मुझे वो महसूस हुआ, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई उसे गोद में लेके, पर आफ्टर ये ना मुझे वो खाने को लगी थी, बहुत ज्यादा चुभने लगी थी कि यार मैं उसको यूं देखती थी, फिर अपने आप को देखती थी, यूं देखती थी। अब मैंने ऐसे ऐसे बहुत बेचैनी सी होती थी, मुझे ना बहुत ऐसा लगता था मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली, बहुत ज्यादा। ये ख्याल ना मेरे डिलीवरी के तुरंत बाद ही आने लगे थे हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में ही 3-4 घंटे गुजरे उसके बाद मेरा मूड बदल गया, मतलब इतना जल्दी बदला था। लेकिन डिलीवरी से पहले ना मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, यार मेरा बेटी या बेटी होगी तो मैं उसके क्लिप्स लगाऊंगी, मेरा बेटा होगा तो उसको ये कपड़े पहनाऊंगी। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ना वो देखती रहती थी कि यार मेरा बेबी होगा तो कैसा होगा, कैसा लगेगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी नाक कैसी होगी। मन में ना बहुत ज्यादा ख्याल चलते थे, बहुत ज्यादा ख्याल आते थे, मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी, मेरे फेस पे ग्लो था, मेरे फेस पे अभी भी ग्लो है क्योंकि कुछ भी मैंने मेकअप यूज नहीं करेगा, आपको उस टाइम मेरी आईब्रोज भी नहीं दिख रही होगी, पर उस टाइम भी था, मुझे ऐसा महसूस होता था, मुझे अंदर से खुशी होती थी। लेकिन सडनली उसको डिलीवरी के बाद देखना मेरे को मेरे लिए इतना ज्यादा चैलेंजिंग था। मैं खुश थी लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब आते थे, बच्चे से मिलते थे, पर मेरे बारे में तो कोई पूछता नहीं था। वो चीज ना अकेलापन जो एक्सट्रीम लेवल का होता था ना, हस्बैंड भी चुभने लगा था मुझे उस टाइम, पर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पर फिर भी मुझे वो चुभने लगे थे, मुझे हर किसी आदमी से चिढ़ हो गई थी। तो ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा फील होती है। हॉस्पिटल में तो मेरी टोन इतनी ज्यादा थी, मैं इतना चिल्ला रही थी, फिर भी मतलब खुद को रियलाइज हो रहा था कि हाँ ये डिप्रेशन है, बट माँ बन के ना बहुत अलग फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा अलग। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरा बच्चा प्लान नहीं था तो मैं बहुत फ्री होती थी, दिमाग खुला रहता था, बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन बच्चे की कमी ने वो सब चौपट कर दिया। फिर जब मेरी बेटी हुई तो मुझे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें है ना जो मेरे माइंड में घुस रही थी, गूंज रही थी, मतलब चल रही थी, उसको गोद में लेके ना मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ये मेरा ही तो है और ये मेरा ही बच्चा है, मतलब मेरा बच्चा है यार, मैंने इसे अपने शरीर से पैदा किया है, मेरा अंग है, मैं इसको फीड कराऊंगी। जब मैं उसे देखती थी, मैंने उसे 4 दिन बाद हाथ में लिया था, ऐसे लिया था यूं दूर से यूं करके, तो मतलब यूं लिया था यूं,
ऐसे करके। तो उस टाइम देखते वक्त मेरे मन में ये आ रहा था ख्याल कि यार ये मेरा घर भी है और इतना प्यारी इतनी सुंदर मेरा बच्चा है यार, मतलब मुझे इतना प्यारी लगती थी वो, लगे मतलब लगती है कि मुझे ऐसा लगता मेरे से मेरे बच्चे से सुंदर कोई है ही नहीं। कितनी सुंदर है, कितना प्यारी है और कितना प्यारा, मतलब उसका वो ना ऐसे करती थी और उसके ना वो जो जीभ ऐसे से हिलते थे ना, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी बस दूर से। लेकिन सडनली मुझे डिप्रेशन की वजह से वो चिड़चिड़ भी होती थी, पर मुझे माँ बन के ना बहुत ज्यादा अलग एहसास होता है। शब्दों में कैसे समझाओ, मतलब ये मान लो आप कि माँ जब आप बनते हो ना और आप अपने बच्चे को सामने देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर से ना यूं निकाला है, जैसे आपने मार्वल्स की मूवीज में देखा होगा ऐसे करके, ऐसा ही फील होता है। और मुझे तो ऐसा ही होता था, पता नहीं और लेडीज का मुझे नहीं मालूम कैसा महसूस होता है, पर मैं शब्दों में जो बयां करने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा ही होता है। जब आप उसे देखते हो तो आपको लगता है आपने ऐसे पैदा किया और आपके हाथ में आ गया, मतलब आप 9 महीने से जिसको दिमाग में इमेजिन कर रहे थे और आपके हाथ में आ गया। आपको पता है जब आप डिलीवरी के दौरान जब किसी भी बच्चे को देखते हो, फोटोज देखते हो, हंसते हुए देखते हो, बोलते हुए देखते हो ना, तो दिमाग में चलता है यार मेरा बच्चा ऐसा ही होगा, मेरा बच्चा ऐसे ही कर रहा होगा, मेरे बच्चे की नाक ऐसी होगी, मेरे बच्चे का मुंह ऐसा होगा, मेरा ये, मतलब दिमागी अपने दिमागी ख्यालों में ना आप घूमते रहते हो। तो मेरे साथ भी ये चीजें थी और मुझे माँ बन के ना सच बताओ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अभी भी कसम हूँ कि मैं खुश हूं भी या नहीं हूँ, हूँ या नहीं हूँ, मतलब मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी 4th मंथ हुआ है, अभी भी मेरे सी सेक्शन का पेन मेरे बॉडी में है और बेटी है, उसको उसके उसको संभालना बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। कभी कभी ना मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ उसके साथ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो हंसती है ना, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो फ्रेंड्स, माँ बनना बहुत डिफरेंट है और बाप बन के कैसा महसूस होता होगा, जिम्मेदारी तो सभी को होती है और अंदर से कैसा महसूस होता है यार ये मेरा बच्चा है, तो ये मेरे मेरा अपना बच्चा है ये अपना, शायद इसी वजह यही फीलिंग होती है जो अडॉप्शन में नहीं आती, इसलिए बहुत से लोग अडॉप्ट नहीं करते बच्चे, वो प्रेफर करते हैं खुद का बच्चा पैदा करना। तो बहुत अलग फीलिंग्स है, आप अपना बच्चा बनाओ, आप उसे रखो, उसे खुद को प्यार करो, अपने शरीर का टुकड़ा मानो, बहुत अलग फीलिंग है। और मैं माँ बन के ना ऑनेस्टली बताऊँ तो खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे ना ऐसा लगता है मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है, और इसके इसके बाद तो उसका बाप भी कहीं गया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मिलते हो आपको नई वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या विचार है माँ बनने का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय।